हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो के साथ और नए रिव्यू के साथ। मैं स्वागत हूँ आपके बीच में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं DAIICT कैंपस, यानी कि ध्रुव भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैंपस के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। इसका लोकेशन आपका गांधीनगर गुजरात में, बहुत ही प्यारा कैंपस है। 50 एकर्स में कैंपस फैला हुआ है। अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोर्सेज आपका यूजी पीजी पीएचडी कोर्स चलते हैं। यूजी में बात करें तो बीटेक कोर्स है और पीजी में बात करें तो आपका एमटेक और एमएस कोर्स होता है और पीएचडी वहां पर आपका पीएचडी कोर्स चलता है। जैसे कि मैं बात करूँ इस कैंपस के बारे में, तो धीरू भाई अंबानी के नाम पर ये ग्रुप चल रहा है, यानी कि रिलायंस ग्रुप का कॉलेज है। इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट है मिस्टर अनिल अंबानी जी हैं आपके इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट, जो इस कॉलेज को रन कर रहे हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गुजरात में है और लास्ट ईयर 2022 में इंजीनियरिंग के लिए इसके एनआरएफ रैंकिंग आपका 134 एनआरएफ रैंकिंग अंदर में आपका ये आता है, यानी कि 134 रैंक पर है आपका ये कॉलेज। काफी ही प्यारा और काफी ही खूबसूरत कैंपस बना है, गांधीनगर के लोकेशन में है, गुजरात में है। और मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर एडमिशन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्या भैया यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है क्या, तो जैसे कि बता दो यार मेरे भाई और बहनों, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं होता इस कॉलेज में। हाँ, बट एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा में थोड़ा सा फीस महंगा होता है। अगर बात करें बीटेक में ब्रांचेस का, तो बीटेक में जो ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है, आपका पहला ब्रांच है आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बीटेक में मिलता है। उसके बाद जो दूसरा ब्रांच है आपका मैथमेटिक्स एंड कंपाउंडिंग, यानी एमएनसी के नाम से जानते हैं बीटेक का ये ब्रांच आपका। तीसरा ब्रांच जो है आपका बीटेक का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, यानी कि ईवीडी, आपका बीटेक की ईवीडी ब्रांचेस अवेलेबल है। चौथा जो ब्रांच अवेलेबल है आपका बीटेक आपका इन आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ माइनर कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। चार ब्रांच कैंपस के पास चलते हैं बीटेक में आपका। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर एडमिशन से। मैंने पहले बताया आपको एडमिशन का, तो एडमिशन आपका यहाँ पर जेईमेंस यानी जेईमेंस के काउंसलिंग के बेसिस पे होता है, या जो गुजरात स्टेट का जो काउंसलिंग होता है उसके माध्यम से होता है। चौथा होता है आपका एनआरआई कोटा, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो मैंने जिक्र किया कि एनआरआई कोटा में फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, यानी फीस ज्यादा रहता है एनआरआई कोटा में। बात करते हैं प्लेसमेंट का, भैया यहाँ प्लेसमेंट कैसा है यार। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो, जो मैंने हजार सर्च आउट किया 55 लाख रुपीस का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करो तो एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का बहुत ही तगड़ा है यार, 16 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है आपका इस कॉलेज का, यानी 16.5 लाख रुपीस का एवरेज प्लेसमेंट आपको इस कैंपस में देखने को मिल जाएगा। कंपनी बहुत सारे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो एलुमनाई बेस्ड जो है आपका, जो यहाँ बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो एक अच्छे कंपनी में, एमएनसी कंपनी और अच्छे से स्टार्टअप अपना कर चुके हैं। बहुत ही तगड़ा यहाँ के एलुमनाई स्ट्रांग देखने को मिलता है। बाकी इसमें एडमिशन बहुत ही टफ मॉडल से होता है, इतना आसान नहीं होता इसमें एडमिशन लेना। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपका बाय द वे इनकेस आपने जेईमेंस वगैरह नहीं दिया और गुजरात से बिलोंग करते, गुजरात जो आपको समझ में आया वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला यार, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि अब तक और भी मेरे कॉलेज का रिव्यू आप तक पहुंचते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।